हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा, वहां पे कंप्लीट किया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। उससे पहले हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को देखा था। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को जब हमने देखा था, तो वहां पे अपने को एक ड्रॉबैक मिला था। वो ड्रॉबैक ये था कि उसको हम लोग एसी के लिए यूज नहीं कर पा रहे थे, है ना। जब भी एसी सप्लाई देते थे तो उसका पॉइंटर जीरो वाले पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा था। उसका रीजन मैंने वहां पे आपको अच्छे से बताया है। तो उसी को हम लोग, उसका मेन कारण ये था कि हम लोग जो फील्ड पोल था ना, उसको परमानेंट रखे थे, तो वो अपना पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, वो फिक्स्ड पोलैरिटी था, लेकिन जो मूविंग कॉइल था उसका पोलैरिटी चेंज कर रहा था। तो इसके कारण वहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, मैंने आपको डिस्कस किया है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे दूर करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। उस परमानेंट मैग्नेट को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस कर दूं, तो अब वही इंस्ट्रूमेंट एसी में भी वर्क करने लगेगा। और दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मतलब क्या होता है कि अब परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये डिफरेंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और थोड़ा कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस थोड़ा और देखने को मिलेगा। वहां पे आप जब परमानेंट मैग्नेट यूज करते थे ना फील्ड में, तो वहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो स्ट्रांग होता था, 1 Wb/m² के आसपास होता था, 1 Tesla के आसपास होता था। जिसके कारण वहां पे जो आप डैम्पिंग टॉर्क यूज करते थे ना, वो आप एडी करंट डैम्पिंग यूज कर लेते थे। बट इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अभी हम लोग डैम्पिंग टॉर्क यूज करने वाले हैं, वो आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा वीक होगा, थोड़ा नहीं बहुत वीक होगा। ठीक है, लाइक 0.001 Tesla टू 0.006 Tesla तक का इसका वैल्यू होता है, वो 1 Tesla तक का होता था। तो बहुत ज्यादा वीक होगा वो इस कंपेरिजन टू है। इसका मतलब अब इसमें हम लोग को शील्डिंग की जरूरत पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट, वहां शील्डिंग इफेक्ट की नीड नहीं होता था। तो बेसिक दोनों में डिफरेंस यह है कि वहां पे परमानेंट यूज किए, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। वो डीसी के लिए वर्क करता था ओनली, वो उसका ड्रॉबैक था, उसी ड्रॉबैक को हमने इसमें दूर किया। ये एसी डीसी दोनों के लिए यूज करने लगेगा। ठीक है, वो एसी के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते थे, मैंने वहां पे आपको बताया था। ठीक है, अब ये पोलैरिटी बस वहां पे रिक्वायरमेंट था। यदि फील्ड का पोलैरिटी मैं चेंज कर दूं किसके साथ, करंट कैरिंग कॉइल के पोलैरिटी के साथ, तो वो भी आपका एसी के लिए यूज हो जाता। ठीक है, तब भी वो टॉर्क क्रिएट कर लेता, लेकिन अभी टॉर्क क्रिएट कर रहा था वो 1 सेकंड में। मतलब टॉर्क को बार बार पल्सेटिंग होना, 50 बार चेंज हो रहा था, जिसके कारण उसको कैच नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई वो रोटेट नहीं कर पा रहा था, जीरो वाले पोजिशन पे ही ऑसिलेट कर रहा था। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, कंट्रोलिंग की बात करूं तो वहां पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया था, 2 स्प्रिंग हम लोग यूज किए थे। यहां भी कंट्रोलिंग टॉर्क आपका स्प्रिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, बट यहां पे आपका डैम्पिंग टॉर्क जो यूज करेंगे हम लोग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करेंगे। वहां पे आपका डैम्पिंग टॉर्क एडी करंट था। क्यों? क्योंकि वहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज करते थे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था। दैट्स व्हाई वहां पे डैम्पिंग टॉर्क आपका कैसा था, वहां पे एडी करंट डैम्पिंग था। तो ये तो हो गई सिंपल इंट्रोडक्शन वाली पार्ट, है ना। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, दोनों डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो बिल्कुल दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, वहां पे हम लोग क्वाइल को रोटेट करा रहे थे। क्वाइल जो होता था वो एल्यूमिनियम का फॉर्मल लगा होता था, एक आयरन का कोर होता था, एल्यूमिनियम का फॉर्मल लगा होता था। और उसमें उसमें क्या होता था, क्वाइल यूज करते थे कॉपर वायर का उस फॉर्मर के ऊपर में, और उसको रोटेट कराते थे। बट यहाँ पे सिनारियो चेंज है, यहाँ पे जो कोर यूज करेंगे वो आपका एयर कोर रहेगा। दैट मीन्स देयर इज नो एडी हिस्टेरेसिस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एयर कोर होगा। दूसरी बात, यहां पे हम लोग देखेंगे 2 टाइप का क्वाइल यूज करेंगे, एक फिक्स्ड क्वाइल बोलेंगे और एक मूविंग क्वाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब का कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग डायनेमोमीटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस मैं डिस्कस करता हूं, देन कंस्ट्रक्शनली हम लोग आज देखेंगे क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमोमीटर में, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, दूसरा वर्किंग, थर्ड टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, एंड 4th पॉइंट यूज्ड एस एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर,
वाट मीटर, इसकी तरह हम लोग यूज करेंगे। अब यहां से सबसे पॉपुलर आपका वाट मीटर रहेगा, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मीटर, वाट मीटर इज द पॉपुलर, है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि वाट मीटर ये आपका पॉपुलर रहेगा। इसका मतलब इसमें हम लोग देखेंगे वाट मीटर में सबसे पहले हम लोग वन वाट मीटर मेथड, अब वाट मीटर बन जाएगा तो वन वाट मीटर मेथड मैं आपको बताऊंगा, वन वाट मीटर मेथड शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, टू वाट मीटर मेथड, राइट, एंड थ्री वाट मीटर मेथड के बारे में मैं बात करूंगा। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा टू वाट मीटर मेथड। जब टू वाट मीटर मेथड वहां पे देखोगे, है ना, सब ब्लॉन्डल थ्योरम वगैरह सब डिस्कस करूंगा मैं इसमें, फिर टू वाट मीटर आप वहां पे देखोगे तो टू वाट मीटर में आपका पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, कॉस फाइव वाला फॉर्मूला आएगा, उसको डिराइव करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन पे बात करेंगे, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट पे बात करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, वाट मीटर एसी पावर को कैसे मेजर करते हैं, डीसी पावर को कैसे मेजर करते हैं, सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका रहेगा ना एरर, एरर से रिलेटेड यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एरर से रिलेटेड, ठीक है, तो एरर को ना बहुत ही अच्छे वे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, राइट। तो ये हो गया सिलेबस कि हम लोग इसमें क्या क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ज्यादा आपको डिटेल में इसमें पढ़ना है, एकदम डिटेल में जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो हमारे आप पेड कोर्स परचेस कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेलिंग में मिल जाएगा इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अभी YouTube में हम लोग का कंटेंट तो एक उतना नहीं रहेगा, आपको पता है क्यों नहीं रहेगा, रीजन आपको समझ में आता है ना, तो ये सब का पूरा हम लोग डिटेलिंग में पेट कोर्स में बहुत अच्छे से किए हैं, तो वहां पे आपको A to Z सब चीज अच्छे से आपको पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म पे ना एक बेसिक लेवल तक कहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा रीजन आप यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हम लोग कंस्ट्रक्शनल डायग्राम से, ये तो हो गया सिलेबस डिस्कशन, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले देखेंगे कैसे होता है। तो जैसे आप PMMC में आप परमानेंट मैग्नेट यूज करते थे ना, तो इसमें आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में जो मैग्नेट यूज करोगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ठीक है, तो यहां पे लिख देता है इलेक्ट्रो डायनेमो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, राइट, ये हो गया। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसका जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम थोड़ा मैं बनाऊं आपके पास, वो थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे समझिए आप, ये देखिए, थोड़ा अभी मैं इसको डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल से कनेक्ट कर रहा हूं, है ना, कैसे वर्क करता है सब देखना आप, ये हो गया, ऐसे मैं दिखा रहा हूं ना, अभी होता है ऐसा नहीं है, आप समझो चीजों को दिखाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक मूविंग कॉइल रहेगा जो करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे ना हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इस पोर्शन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ओके, तो उधर कटता है ना, मैं यहाँ पे जस्ट ले रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हो गया, ये देखो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे भी ये क्रॉस ले रहा हूं और ये डॉट ले रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आया यहाँ पे, ये जो आया ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये आपके पास है मूविंग कॉइल, ये मूविंग कॉइल, और इसमें जब हम लोग बात कर रहे थे PMMC का, तो ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट यूज करते थे, बट उसी को रिप्लेस करके हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिए, अब ये AC पे भी वर्क करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रीजन आपको बहुत अच्छे से वहां पे बताया था ना कि क्यों DC पे PMMC वर्क नहीं कर रहा था, उसका क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ का पोलैरिटी, यदि मेरे को DC पे काम कराना था तो ये पोलैरिटी जो है इसके रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए था, मतलब इसके साथ साथ पोलैरिटी यहाँ का भी चेंज होना चाहिए था, तभी वो वर्क करता, बट अब करेगा पोलैरिटी चेंज, क्योंकि अब AC यहां भी दोगे, AC ये भी है, तो अब पोलैरिटी तो चेंज करेगा, है ना, तो अब टॉर्क के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे AC दो चाहे DC दो, टॉर्क जो है उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो आपका कॉइल जो है वो रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा, इसके साथ ही साथ हमारा पॉइंटर कनेक्ट रहेगा,
और यहाँ पे एक स्प्रिंग कंट्रोल है, और इसके साथ ही साथ हम लोग अब इसमें क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप समझ लो एक स्टेप का, यहाँ पे आप समझ लीजिए ऐसे करके एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लगा हुआ है, तो सब चीज को आप समझो, है ना यहाँ पे, ठीक है। या इसके साथ नहीं तो हम लोग एक पॉइंटर बना देंगे, उसके साथ आप दिखा सकते हो एक स्पिंडल के साथ, ठीक। तो ये हो गया सिंपल इसका। अब देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली में हम लोग बात करें और इसके डायग्राम्स की, तो इसमें कंस्ट्रक्शनल डिटेल में देखो क्या क्या होता है, इसमें होता कैसे है एक्चुअली में, ये देखिए ये, ठीक। तो आज का क्लास बहुत बेसिक होगा, जिसमें आपको समझ में आएगा, फील होगा कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर होता क्या है, दिखता कैसा है, ये सब चीज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का ये जो क्वाइल है, ठीक, ये और यहां पे मैं कनेक्ट कर देता हूं ये, ये राइट, ये क्रॉस, ये डॉट, वाइंडिंग को मैं ऐसे यहां पे दिखा रहा हूं, क्रॉस डॉट, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे एक स्प्रिंग रहेगा, इस पॉइंट पे एक स्प्रिंग रहेगा, और इसी स्प्रिंग से मेरा पॉइंटर कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा स्केल, तो ऐसे कुछ रहेगा आपका ये मूविंग इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। तो ये क्या है ना, ये आपके पास क्या है, ये जो बीच में दिख रहा है यही आपके पास मूविंग कॉइल है ये, और ये सारे क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, फील्ड कॉइल है, ये सब हमारा फिक्स्ड कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, ये हमारा क्या है फिक्स्ड कॉइल, ये फिक्स्ड कॉइल, समझ में आ गया इसका। अब बाकी सब समझते हो, ये आपके पास स्पिंडल, स्पिंडल, ये आपके पास ज्वेल बेयरिंग, हम लोग जो बोलते हैं ना पायवट, ये हो गया, ठीक है। ये आपके पास स्प्रिंग फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग, और यहां से आप ऐसे निकाल सकते हो, यहां पे आप कौन सा यूज करते हो, यहां पे चलो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपके लिए, ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आप यहां पे यूज कर सकते हो, पॉइंटर इसके लिए सब दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शनल, ठीक। यहां पे जो क्वाइल होता है इसमें लेकिन ना वाइंडिंग्स रहेंगे, यहां पे जो क्वाइल होगा उसमें आपका वाइंडिंग्स रहेंगे, ठीक है। अब क्वाइल का आपको रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स थिन लेयर रहेगा बट नंबर ऑफ टर्न्स आपका ज्यादा रहेगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका जो वेट है, आप कॉपर वायर का वाइंडिंग्स बहुत ज्यादा रखना है, और दूसरी बात आपको रेजिस्टेंस को भी बहुत रखना है, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा मूविंग कॉइल, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहां का ना जो वेट है वो ज्यादा होगा, तो जो टॉर्क टू वेट रेशियो है, टॉर्क टू वेट रेशियो, वेट ज्यादा होगा तो ओवरऑल टॉर्क टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा, टॉर्क टू वेट रेशियो, वेट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे टॉर्क टू वेट रेशियो का वैल्यू क्या होगा, बोलो, टॉर्क टू वेट रेशियो ये ज्यादा है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और टॉर्क टू वेट रेशियो आपका कम होगा, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक्यूरेसी डिक्रीज होगा, एरर इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, हालांकि पीएमएमसी की सेंसिटिविटी से कम होता है, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि ये मूविंग कॉइल जो है ना उसके वेट से इसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कॉइल का ज्यादा रखा जाता है, सो दैट टॉर्क टू वेट रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये कम एक्यूरेसी होता है इसकी, ठीक है, हम लोग ये देख सकते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करें इसमें, और आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसमें बेसिक जेई वाला क्वेश्चन पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे। तो इसमें हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क क्या यूज करते हैं, देखो वर्किंग, तो डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करेगा, डीसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है। और इसमें स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल दिख रहा होगा आपको, और इसमें आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर
फ्रिक्शन, डैम्पिंग यूज करते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये सब लिखते जाओ, नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है, 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक का इसका होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, सो दैट इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, है ना, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इसमें पड़ेगा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पड़ेगा इसमें, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब इसमें नीड होगा शील्डिंग की, इसमें क्या की नीड होगी, शील्डिंग की नीड होगी, शील्डिंग की नीड होगी, ठीक है। तो इसमें एक शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग एक शील्डिंग एक इसके अंदर में रख देंगे, एक ऐसा हम लोग मटेरियल यूज करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना पड़े, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, सो दैट इसमें हम लोग शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका टॉक टू वेट रेशियो के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टॉक टू वेट रेशियो जो होता है, वेट ज्यादा होगा तो टॉक टू वेट रेशियो कम होगा, सेंसिटिविटी कम होगा, एक्यूरेसी कम होगा, दैट मीन्स इसमें एरर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करो इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको एसी और डीसी दोनों के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और ये एसी का आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। और इंपॉर्टेंट लिखो, इसका स्केल कैसा होता है, स्केल जो है वो नॉन लीनियर होगा, ये सब अभी देखेंगे, डेरिवेशन में आपको पता चलेगा, ठीक है। स्केल कैसा होगा, नॉन लीनियर इन नेचर, नॉन लीनियर नेचर को होगा स्केल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है मोस्ट सुटेबल होता है, लिखो इसमें मोस्ट सुटेबल, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाट मीटर, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाट मीटर, ठीक। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाट मीटर। एरर के बारे में अभी बात नहीं करूंगा भाई, एरर के बारे में पूरा पढ़ लेने के बाद, वर्किंग वगैरह पढ़ लेने के बाद मैं पूरा एरर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसमें एरर होता है और उसको कम आप कैसे करते हैं, है ना, ठीक है। कनेक्शन वाट मीटर में पूरा मैं आपका एरर बताऊंगा, ठीक। आज का लेक्चर बेसिक है, ठीक है, उसके बाद बेसिक पे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग एरर वगैरह वाट मीटर पढ़ेंगे, तो उसमें एरर पे काम करेंगे पूरा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी लिख लो एक बार, फिर सब चीज हम लोग डिराइव करेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो 1/2 आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू डीएम बाई डी थीटा आएगा, डीएम बाई डी थीटा आएगा, 1/2 आई आर एम एस का स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, सॉरी ये तो उसका है मूविंग आयरन का टॉर्क का इक्वेशन है ना, इसका आने वाला है आई वन आई टू कॉस फाई, लिखो आई वन आई टू कॉस फाई डीएम डी थीटा, अभी मैं लिखा था और मूविंग आयरन का लिख दिया था क्योंकि इसको लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ाया। इसका जो टॉर्क का इक्वेशन आएगा आई वन आई टू कॉस फाई डीएम बाई डी थीटा, डीएम क्या है वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, cos phi is not a power factor, cos phi is the phase angle, cosine I1 और I2 के बीच के जो एंगल होगा cosine angle between I1 and I2 है, where cos phi is not a power factor in this case, ना phi is the angle between I1 and I2, phi is the angle between I1 and I2, ये लिख लीजिए, वेर cos phi इज नॉट पावर फैक्टर, ना cos phi इज नॉट इक्वल टू पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर यहां पे नहीं होगा, राइट। इतना चीज आप यहां पे नोट कर सकते हैं, क्लियर है, ये सारे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। स्प्रिंग कंट्रोल आप यूज करते हो, TC इज इक्वल टू होता है स्प्रिंग कंट्रोल में, TC इज इक्वल टू थीटा, TC इज इक्वल टू थीटा और प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के, दोनों को आप इक्वल करेंगे तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा आई वन आई टू, अभी लिख लो कॉस फाइव, ये ठीक है, यहां से समझ में आ गया, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है जी। अब पूरा चलो, इसका ये तो हो गया कंस्ट्रक्शनल और ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए आपको कवर करना है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे इसके बारे में, तो अभी डिटेल समझ में आ गया, ये फील्ड कॉइल होता है, ये मूविंग कॉइल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं,
डैम्पिंग टॉर्क में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आना चाहिए। शील्डिंग इसमें यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें और क्या क्या यूज करते हैं सब मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ हम लोग डायग्राम ये पढ़ लिए, अब बात करते हैं वर्किंग के बारे में, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है ना, इसमें टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको ये देखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वर्किंग। वर्किंग तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है। अब इसको समझते हैं, लेट सपोज हमारे पास तीन केस इसमें हम लोग समझेंगे, तीन केस में। केस नंबर वन, ये हो गया, ठीक। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन केस यहां पे लेते हैं। फर्स्ट मैं यहां पे ना यहां को सप्लाई दिया, ठीक है, और ये मेरा हो गया फिक्स्ड कॉइल और ये हो गया मेरा क्या मूविंग कॉइल, ठीक, ये ठीक है। इसको मैंने सप्लाई दिया, ये क्रॉस, ये आपका यहां पे करंट जो है एंटर कर रहा है, इनवर्ड है, ठीक है, क्रॉस, और ये यहां से निकल रहा है, तो ये डॉट, ठीक। जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दिया, यहां पे मैंने अभी कोई सप्लाई नहीं दिया है, देखो तीन चीज आप समझ लीजिए, क्रॉस का मतलब होता है एंटर करना, इनवर्ड, इस बोर्ड के अंदर में करंट जो है एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्रॉस। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपने बेसिक पढ़ा होगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटर कर रहा है, तो कॉर्क की स्क्रू रूल लगाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ये ठीक है। मान लो आप कॉर्क स्क्रू रूल लगाते हो तो एक आपके पास बोल्ट है, उसको टाइट करना है, तो कैसे घुमाएंगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रोटेट करेगा, और करंट का जो डायरेक्शन है वो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। आप टाइट करोगे तो अंदर की ओर जो स्क्रू जा रहा है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट को। तो ये हमारा हो गया क्रॉस, क्रॉस में आपका ये क्लॉकवाइज आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आउटवर्ड यहाँ पे शो करता हूं, तो उसको मैं डॉट से दिखाता हूँ, ठीक है, और ये हो गया इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड। अब मान लो आप उसको निकालोगे, उस स्क्रू जो अंदर में है उसको आप निकालोगे बाहर, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने स्क्रू ड्राइवर को घुमाना पड़ेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो घुमा दीजिए, ये घुमा दीजिए, ऐसा ये हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे ये स्क्रू बाहर निकलेगा, इसका मतलब करंट जो है वो बाहर आ रहा है, अब करंट जो है बाहर आ रहा है बोर्ड से, आउटवर्ड इनवर्ड। तो ये इनवर्ड के लिए आप यहां पे शो करते हैं, इनवर्ड के लिए आप शो करते हैं क्रॉस, और आउटवर्ड, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, आउटवर्ड के लिए आप यूज करते हैं यहां पे डॉट, समझ में आ गई बात। और मैं यहां पे सिंपली ऐसे शो कर रहा हूं एक गोला, इसका मतलब ये नहीं इनवर्ड है नहीं आउटवर्ड है, इसका मतलब यहां पर मैं कोई सप्लाई नहीं दिया हूं, नो सप्लाई, नो सप्लाई, इसका मतलब ये है, समझ में आ गया। तो यहां पे मैंने सप्लाई दिया, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां पे निकल रहा है, यहां एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। दूसरा केस, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, केस नंबर वन, केस नंबर वन हो गया, ठीक है। अभी मैंने केवल फील्ड क्वाइल को ही सप्लाई दिया है, अभी मैंने यहां पर मूविंग क्वाइल को सप्लाई नहीं दिया है, तो इस फील्ड क्वाइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सेटअप होगा वो कैसा होगा बोलो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इस फील्ड कॉइल में वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और यहां से इसके कारण, ये डॉट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, ठीक है, फील्ड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन यहाँ पे शो कर, देखो यहां से वर्किंग ना एकदम क्लियर होगा, आपको कुछ भी नोट करने की चीज नहीं रहेगा, फिर सब चीज डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो कर लिया यहां से क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्रॉस है,
और ये डॉट है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इन दोनों से। क्लियर हो गया इतनी बात। तो अभी मैंने किसको सप्लाई दिया है, मैंने फर्स्ट अभी सप्लाई दिया है फील्ड क्वाइल को ही मैंने सप्लाई दिया है। तो मैं लिख देता हूं सप्लाई ओनली फिक्स्ड क्वाइल। चलो फिक्स्ड क्वाइल लिख लेते हैं, फिक्स्ड क्वाइल को ही मैंने अभी सप्लाई दिया केस नंबर वन में। ठीक है, सेकेंड केस मैं यहां पे लेता हूं केस नंबर टू। इसमें मैं ले लेता हूं सप्लाई ओनली मूविंग क्वाइल। अब मैं मूविंग क्वाइल को सप्लाई दे रहा हूं सेम डायग्राम में। ये यहां पे देखो, अभी मैं इसको ब्लैंक रखा हूं, इसका मतलब इसमें कोई करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। अब यहां पे जो क्वाइल है ये देखो, ये मान लो मेरे पास क्रॉस है, ये क्रॉस, और ये मेरे पास क्या है डॉट। तो ये क्रॉस जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा इस डायरेक्शन में, ये देखो ऐसा, और ये डॉट जो है वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा ऐसा इस डायरेक्शन में। तो ये क्रॉस है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्लॉक वाइज आएगा, और ये डॉट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एंटी क्लॉक वाइज आएगा, ये ऐसा इस डायरेक्शन में, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है, यदि मैं दोनों को एक साथ सप्लाई दूंगा अपना फिक्स क्वाइल को भी और मूविंग क्वाइल को, तो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है, जो दोनों का जो डिस्टॉर्टेड मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा दिखेगा देख लेते हैं। तो केस नंबर थ्री दोनों का जो डिस्टॉर्टेड मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगा, देखो आप ध्यान से देखो यहां पे, है ना, ये हो गया। ये मैं क्वाइल में करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा हूं, अब दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट। ठीक है, और यहां पे मैं आप क्वाइल ले रहा हूं, दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट। ठीक है, तो यहां से देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां का कैसा है, क्रॉस क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहां का जो कैसा है वो भी आपका क्लॉकवाइज है। ठीक, और यहां का कैसा है इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो आप दोनों से कंपेरिजन करो ये। ठीक है, तो यहां से और बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड निकलेगा, यहां से भी और बहुत सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड करेगा तो निकलेगा, तो होगा क्या देखो यहां से ध्यान से, तो होगा क्या यहां पे, यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके साथ एड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां का इसके साथ एड होगा। समझ में आ गया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में देखो। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां का, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एड होगा, ये ठीक, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गया। ठीक है, ये जो है इसके साथ लिंक हो गया, ये जो है ये इसके साथ लिंक हो गया, कुल मिला के मेरा फिक्स्ड क्वाइल है और जो मूविंग क्वाइल है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंप्लीटली लिंक हो गया। अब लिंक हो जाने के कारण यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस टॉर्क। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस टॉर्क यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इसमें दबाव बनाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। सिंपल से देखो, फोर्स क्रिएट करेगा, ये यहां पे फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहां का फोर्स ये, यहां का फोर्स ये, मतलब हमारा जो क्वाइल है वो ऐसे रोटेट करना चाहेगा और यहां से ऐसे रोटेट करना चाहेगा। कुल मिला के हमारा जो क्वाइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव
मतलब ये जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है उसके कारण, जो फोर्स क्रिएट कर रहा है उसके कारण इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने लगेगा क्लॉक इस डायरेक्शन में, और इसी के साथ हमारा स्पिंडल कनेक्ट रहेगा, ये स्पिंडल के साथ स्प्रिंग कनेक्ट रहेगा, स्प्रिंग के साथ हमारा यहाँ पे पॉइंटर कनेक्ट रहेगा, और इसी स्पिंडल से हमारा यहाँ पे क्या कनेक्ट रहेगा, यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क कनेक्ट रहेगा, और ये इसी पे फिर रोटेट करेगा पॉइंटर। तो ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यहाँ के इस फिक्स्ड कॉइल के कारण और ये मूविंग कॉइल के कारण, दोनों के इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क को हम लोग सिंपली यहाँ पे बोलेंगे क्या, लॉरेंज फोर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा लॉरेंज फोर्स, और उसके कारण यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हुआ, फोर्स के कारण टॉर्क क्रिएट हुआ, और हमारा जो मूविंग कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड में फिर मूव करने लगेगा। ये तो फिक्स्ड है ना, मूविंग कॉइल ही मूव कर सकता है, इस कारण ये अपने जगह पे ये फिक्स्ड है, यही मूविंग कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगा। और किस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है, इधर नीचे की ओर लग रहा है, इधर अपवर्ड लग रहा है, इधर डाउनवर्ड लग रहा है, और इसके कारण इसमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और डायरेक्ट मूविंग कॉइल के साथ आपका स्पिंडल कनेक्टेड होगा। जैसे ये मूविंग कॉइल रोटेट होगा, स्पिंडल आपका रोटेट होगा, और स्पिंडल के साथ यहाँ पे आपकी स्प्रिंग कनेक्टेड है, और स्प्रिंग से आपका पॉइंटर रोटेट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो रोटेट करेगा तो स्प्रिंग आपका वहां पे टाइट होने लगेगा, और उसके साथ साथ आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां पे आपका स्प्रिंग जो है वो क्या करने लगेगा, टाइट होगा, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर भी ये फाइनल पोजिशन में जाके आपका वाइब्रेशन करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा, तो उसको स्टेडी स्टेट बनाने के लिए, उसको फिक्स पोजिशन पे लाने के लिए हम लोग यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क लगा के रखे हैं। अब किस टाइप का डैम्पिंग टॉर्क लगा के रखे, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज किए हैं, एडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज नहीं किए। उसका सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए हैं, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा वीक है, सो दैट यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग को वहां यूज करते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग सिंपली यूज नहीं किया, राइट। तो ये था बेसिक वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि कैसे दोनों के बीच में, मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल के बीच में कैसे वहां पे आपका इंटरेक्ट होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टॉर्क कौन कौन से चीजों पर प्रोड्यूस कर, कौन कौन से चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, डीसी के लिए क्या टॉर्क मिलेगा, एसी के लिए क्या टॉर्क मिलेगा, ये सब के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आप टॉर्क इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले इलेक्ट्रो, चलो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पहले देख रहे थे, फिर हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको हम लोग समझते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, कौन कौन से चीजों पर डिपेंड करता है ना, डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आप मूविंग कॉइल यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट देख रहे थे तो वहां पे परमानेंट मैग्नेट हम लोग फील्ड में यूज कर रहे थे और बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ना मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये मान लो लोड है मेरे पास, ठीक है, ये लोड है, ये मेरे पास फिक्स्ड कॉइल होता है, आपको पता होगा दो फिक्स्ड कॉइल मैंने दोनों तरफ लिया था, ये फिक्स्ड कॉइल वन और ये फिक्स्ड कॉइल टू, दिस इज लोड, यहां पे जो करंट है वो आई वन है, ठीक है, ये आई वन है। अब देखो यहां पे स्प्रिंग मैं यूज किया, ठीक है, ये स्प्रिंग, ये स्पिंडल यहां पे कनेक्टेड कर दिया, ऐसा बता दे, ये पॉइंटर, ये स्केल, ठीक है, और यहां पे एक कॉइल और यूज कर रहा हूं मैं, एक कॉइल दिखाने के लिए जस्ट आपको, ठीक, ऐसा करके इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल इसका डिफरेंस थोड़ा मैं बता रहा हूं, इसको मैं मान लो कनेक्ट कर देता हूं यहां पे, ठीक, अभी दिखा रहा हूं जस्ट, ठीक है, ये जो कॉइल है मेरा मूविंग कॉइल है, इससे मूव करेगा, इसके कारण ये, ठीक है, इसके कारण ये पॉइंटर आपका, तो ये मूविंग कॉइल, इस पे करंट मैं बोल देता हूं I2, तो ये मूविंग कॉइल
और ये फिक्स्ड कॉइल, उसी के इंटरेक्शन के कारण ही यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ना, मूविंग कॉइल रोटेट किया है, ठीक है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पे मूविंग कॉइल जो है रोटेट करने लगेगा। तो ये टॉर्क में हम लोग देखे, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड कर रहा है आई वन और आई टू पे। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है मेरे पास, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन एंड आई टू। लेट सपोज यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कुछ ले लेता हूं, मैं के वन ले लेता हूं, आई वन आई टू, ये हो गया के वन आई वन आई टू ले लिया, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे पास क्या होगा, मान लो ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे पास के टू है, और ये हो जाएगा थीटा, थीटा। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपने पास कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, के टू थीटा इज इक्वल टू टी डी के वन आई वन आई टू, ये हो गया। तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई वन और आई टू, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आई वन और आई टू आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है आई वन और आई टू, मतलब सिंपल सी बात है यार, जितना यहाँ पे करंट दोगे, जितना यहाँ पे करंट दोगे, जितना करंट आपका मूविंग कॉइल पे रहेगा, उतना वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से का जो डेंसिटी है वो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट के कारण एमएमएफ बन रहा है, एमएमएफ के कारण फ्लक्स बन रहा है ना, फ्लक्स है तो वो वहां पे फ्लक्स डेंसिटी है। तो कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, आइदर हम लोग बात करें फील्ड कॉइल का और हम लोग बात करें मूविंग कॉइल का। तो इन दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है, अभी मैंने दिखाया था टॉर्क के लिए, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा वो टॉर्क क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होगा और डिफ्लेक्शन जो प्रोपोर्शनल होगा वो I1 और I2 पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये हो गया, अब हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ, लिखो यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ इन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इसके टर्म्स में देख रहे। तो म्यूचुअल इंडक्शन बेटा क्या समझते हो, आपके पास लेट सपोज दो क्वाइल है, ये मेरे पास क्या है फिक्स्ड क्वाइल है, और ये मेरे पास क्या है मूविंग क्वाइल है, ठीक है, दो क्वाइल है। लेट सपोज फिक्स्ड क्वाइल का इंडक्टेंस एल वन है, मूविंग क्वाइल का इंडक्टेंस एल टू है, यहां पर आपने सप्लाई दे रखा है, यहां पर भी आपने सप्लाई दे रखा है, अभी आप सप्लाई दे रहे हो, तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा M, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। तो इस कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होगा, इस कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होगा ई वन है, वो कितना होगा वन बाय टू एल वन, एल आई स्क्वायर होता है ना, आई वन का स्क्वायर। इस कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, ई टू इज इक्वल टू वन बाय टू एल टू I2 का स्क्वायर, और दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, वो कितना होगा उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी स्टोर, मान लो दोनों कॉइल के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा यहाँ पे I1 I2 M, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा ना, इन दोनों के बीच में ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का, इसका इफेक्ट यहां पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहां पड़ेगा, दैट मींस यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर इन सारे कॉइल में जो टोटल एनर्जी स्टोर है वो कितना होगा, टोटल एनर्जी स्टोर ई इज इक्वल टू वन बाय टू एल वन
वन बाय टू एल वन आई वन का स्क्वायर प्लस वन बाय टू एल टू आई टू का स्क्वायर प्लस एल वन, ऐसे लिख लो, प्लस एम एल वन एल टू, ये हो जाएगा। टोटल एनर्जी स्टोर कितना होगा, E इज इक्वल टू वन बाय टू एल वन आई वन स्क्वायर प्लस वन बाय टू एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम एल वन एल टू, ये होगा हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टॉर्क देख रहे हैं, तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, ये जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन। तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, चलो एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वन बाई टू ये हो जाएगा मेरे पास वन बाई टू आई वन का स्क्वायर डी एल वन बाई डी थीटा प्लस वन बाई टू आई टू का स्क्वायर डी एल टू बाई डी थीटा प्लस ये हो जाएगा मेरा एम एल वन एल टू, सॉरी एल वन एल टू नहीं आई वन आई टू ना, ये आई वन I2, तो ये हो गया आपके पास I1, I2 और ये हो जाएगा dm अपॉन dθ, dm अपॉन dθ, दिख रहा है? ओके, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मुझे क्या मिला, नाउ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू, ये तो L1 कांस्टेंट है, जीरो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा जीरो ही आएगा, L2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा जीरो, M जो है वेरी कर रहा है I1 और I2 की वैल्यू पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या आने वाला है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा, थीटा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा कितना होगा, है ना, इन दोनों पे डिपेंड करेगा I1 और I2 की वैल्यू पे। ठीक है, L1 L2 ये सब तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इंडक्टर हमने यहाँ पे जितना लेना था ले चुका है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है दोनों का, कि दोनों कितना म्यूचुअली इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा, ये होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन। राइट, अब देखो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमने यहाँ पे लाया है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डीसी के केस में ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपने को कितना मिलेगा, इन केस ऑफ डीसी तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मिलेगा मुझे आई वन आई टू सेम डी एम बाई डी थीटा, इतना मिलेगा डीसी के केस में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा इसमें वो कितना होगा, टी सी इज इक्वल टू, मान लो कंट्रोलिंग स्प्रिंग कंट्रोल सी है और ये हो जाएगा थीटा, तो इसको आप स्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वल रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन आई टू डी एम डी थीटा, ये मिलेगा आपको यहाँ पे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा, इतना आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो जो भी डिफ्लेक्शन है वो आई वन पे डिपेंड करेगा, आई टू पे डिपेंड करेगा और दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये आपके पास आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला इन केस ऑफ क्या, किसके केस में, किसके केस में आएगा, ये आपका डीसी के केस में आएगा। राइट, अब हम लोग यही इसी को देखेंगे इन केस ऑफ एसी या फिर अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे अल्टरनेटिव करंट के लिए इसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, तो मैं थोड़ा सरप कर देता हूं फिर आपको बताता हूं अल्टरनेटिव के केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के टर्म्स से हम लोग देखेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन टर्म्स ऑफ alternating current when the coil carry the alternating current I1 and I2, coil carries that means coil ko main de raha hu fixed coil ko, let's suppose I1 de raha hu, moving coil ko maine I2 current de raha hu, to both currents are alternative in nature। theek hai, to uske karan kya torque produce hoga usko hum log dekh lete hain। to let's suppose main yahan pe fixed coil ko jo current de raha hu I1 is equals to mere paas kitna hai I1 sin omega t,
और मैं यहाँ पे जो I2 देने वाला हूँ उसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, लैगिंग करा देता हूँ, क्योंकि प्योर कॉइल है ना तो लैग करेगा 5 डिग्री, मैंने मान लो उसको लैग करा दिया। तो I1 साइन ओमेगा टी माइनस 5, मैंने 5 डिग्री का लैगिंग रखा है, ठीक है, दोनों के बीच में, दोनों करंट के बीच में कुछ डिफरेंस मैंने लैग करा दिया, ठीक। तो टॉर्क जो होगा, इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 I2 dm by d theta मैं लिख सकता हूं, अभी जो आया था उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या आया था मेरे पास, ओके, अभी एक्सप्रेशन मेरे पास आया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, I1 I2, ओके, I1 I2, ये 1/2 एक्चुअली वही याद आता है, 1/2 I1 I2 dm by d theta, ये मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अभी रिलेशन आया था। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरे पास ये आ गया। अब टॉर्क का लेट सपोज मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है, टॉर्क का एवरेज वैल्यू मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क लिख लो, चलो एवरेज टॉर्क इन दोनों के कारण जो एवरेज टॉर्क होगा, मतलब उसको मैं कैसे निकालूंगा, तो TD, इसका मेरे को एवरेज वैल्यू चाहिए, तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, बोलो, 1/T 0 to T, और इंस्टेंटेनियस को ले लेते हैं यहां पे TD, ये I हो गया, ठीक है, ये TD, ये I हो गया, और एवरेज टॉर्क मैं निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसमें पुट करो जरा, चलो देखते हैं कैसे निकलता है। तो TD एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 1/T। अब एक हाफ साइकिल के लिए मुझे निकालना है, एक हाफ साइकिल के लिए टॉर्क मुझे चाहिए, तो यहां से यहां तक टी इज इक्वल टू कितना है, 2π ना, एक हाफ साइकिल में, ठीक, ये सब मेरे करंट वरेंट रहेगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू 1/2π रखिए, 1/2π हो गया, ये जीरो से लेकर के यहां तक का 2π हो गया, राइट। और इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, I1 I2 dm by d theta, I1 I2 dm by d theta, और ये हो जाएगा मेरा d ओमेगा t। चलो एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क की वैल्यू बता दो मुझे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एवरेज वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो 1/2 dm by d theta इज कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे dm/d theta इंटीग्रेशन ऑफ 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, 0 से लेकर के 2π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π I1 का वैल्यू बताइए कितना है मेरे पास, I1 sin ωt, एंड I2 का वैल्यू मेरे पास है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मुझे पता है, I1 sin ωt - 5, I2 sin ωt - 5, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पे, बोलो, dm/d theta, ठीक है, I1 I2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा मेरे पास I1 I2, और इसमें सबको डिफ्रेंशिएट वगैरह करने के बाद जब आप ये लिमिट वगैरह पुट कर देंगे तो फाइनली आपको यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो cos φ यही मिलेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, I1 I2 cos φ dm/d theta, लिमिट को पुट कीजिए ये सब करने के बाद, तो आपको फाइनली यहां पे मिला I1 I2 cos φ dm/d theta, तो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब यहां पे I1 I2 जो मिला है, या फिर आपको कैसे मिलता है, ये जो I1 I2 है ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, चलो ऐसे लिख लो, ये आपका मैक्सिमम 1, ये आपका मैक्सिमम 2, ठीक है, ये मैक्सिमम 1 और ये आपके पास मैक्सिमम 2, डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय आपको 2 मिलेगा, I मैक्सिमम 1 I मैक्सिमम 2, इसको सॉल्व करोगे तो Im1 Im2/2 cos φ मिलेगा, तो 2 को मैं लिख देता हूं √2, इसको भी लिख देता हूं √2, तो I मैक्सिमम/√2 इज द IRMS, तो I1 RMS into I2 RMS into cos φ dm/d theta, ठीक है। टॉर्क का एवरेज वैल्यू मुझे क्या मिला, करंट I1 RMS into I2 RMS into cos φ dm/d theta मुझे मिला, या सिंपली मैं इसको लिख लेता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
एवरेज इज इक्वल टू आई वन, कैपिटल में लिख लेता हूं आरएमएस को, आई टू कॉस फाई डीएम बाई डी थीटा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड टॉर्क का इक्वेशन है। अब मैं क्या जानता हूं यहां पे, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बोलिए, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू होता है के थीटा। ठीक है, तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू दी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू के नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा आई वन आई टू डिवाइडेड बाई के, के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा कॉस फाई और ये हो जाएगा मेरा डी एम डिवाइडेड बाई डी थीटा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मेरे को मिला आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाई के इंटू कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा, ये मुझे क्या का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया। तो ये मेरा रिक्वायर्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यही मेरा रिक्वायर्ड टॉर्क का इक्वेशन होगा और यहीं से आपको सारा क्वेश्चन जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको होता है वो सब पूछा जाएगा ये इक्वेशन से। ठीक, तो ध्यान रखना एवरेज का टॉर्क का एवरेज वैल्यू है ये। दूसरी बात, आई वन आई टू जो दिख रहा है, ये आई वन आई टू जो आपका है ये मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट है, ये भी आपके पास आरएमएस वैल्यू होता है। और कॉस फाई पावर फैक्टर नहीं है बेटा, कॉस फाई आपका कोसाइन एंगल है आई वन और आई टू के बीच का, ये पावर फैक्टर एंगल नहीं है। ठीक है, और डीएम बाई डी थीटा, तो डीएम बाई डी थीटा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, और इसकी वैल्यू आपको दिया रहता है क्वेश्चन में एम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो सबसे पहले डीएम बाई डी थीटा निकालो, उस एम को डिफ्रेंशिएट कर लो सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, देन आप फॉर्मूला में लिखना आई वन आई टू यहाँ पे जो दिया रहेगा वो आर एम एस वैल्यू आपको लेना है, और कॉस फाई इट इज नॉट अ पावर फैक्टर, इट इज द कोसाइन एंगल ऑफ आई वन एंड आई टू। पावर फैक्टर वोल्टेज करंट के बीच के एंगल होता है, बट कोसाइन एंगल होता है, बट यहाँ पे पावर फैक्टर जो कॉस फाई जो दिया है वो एंगल है आई वन और आई टू के बीच का, तो आई वन और आई वन के बीच के एंगल है तो ये पावर फैक्टर नहीं होगा। राइट, क्लियर, तो लिख लेना आप लोग नोट करके आई वन एंड आई टू के बीच के एंगल कोसाइन एंगल क्या है बेटा, कॉस फाई है, वेयर कॉस फाई इज नॉट पावर फैक्टर एंगल, ऐसा आप नोट करके लिख लो। ठीक है, तो ये सारा चीज को ना केयर करना जब आप किसी न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व करोगे, तो मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग इसका इसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग वाट मीटर की तरह कैसे यूज करते हैं, एम मीटर की तरह कैसे यूज करते हैं, वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज करते हैं। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि कैसे आप इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को एम मीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर के लिए कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन ऑफ एम मीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर, कैलिब्रेशन फॉर एम मीटर वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।